हैप्पी रामनवमी आप सभी को। कैसे हो, आई हो आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो देखिए अभी खाना पीना तो बना दिए हैं, सब लोग खा पी के चले भी गए हैं, और बर्तन धोना है गैस, सर भी धो लिए हैं, अभी तो सर दो दिन से धो रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो इसमें बना था आटा का हलवा जो कि सब लोग खा लिए हैं भूख लगाने के लिए। यहाँ देखिए तड़का वाला दाल थोड़ा सा बना लिए थे, तो ये सब्जी बना दी है, कोहड़ा चना और आलू से मिक्स करके सब्जी, चावल में आटा है, तो ये सब बन गया था। धूप इतना ज़्यादा है ना गैस, क्या बोले। और अभी चलिए दिखाते हैं, तो हमारे यहाँ लोग को देखिए खा पी के मस्त अपना खेल रहे हैं, और यहाँ हमारे गोलू मोलू भी खा रही हैं, कैसे बैठे हैं देखिए। और घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब घर में हम लोग वहाँ रहते हैं सोते बैठते हैं, तो इनको नहीं रखना चाहिए, अपना नहीं रहते हैं। यहाँ देखिए टिक्का उका हुआ है इनको, ये भैरव बाबा है। और अभी देखिए बाबू का बैग भी आज धुल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सूख गया है, गीले है, इधर कपड़ा वगैरह सब धुल के डाल दिए, खिड़की बंद कर दिए हैं। और यहाँ देखिए गैस हमारी माता रानी को भी भोग लग गया, जो कि हम मतलब मम्मी बनाई आज भोग, यहाँ लड्डू लोग बैठे थे तो फिर जाके वहाँ खेल रहे, तो माता रानी का भी भोग लग गया, अभी दीपक जल रहा है, सब कुछ हो गया है। और ये हमारा मिनी ब्लॉग है, देखिए सभी तो आज रामनवमी है, तो राम जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो चलिए बने रहिए आगे आगे, अभी राम जी का अभिषेक चल रहा है लाइव, तो बाबू देख रहा है टीवी में। तो यहाँ लड्डू, हमारे लड्डू जी भी बैठे हैं, ये देखिए खूब अच्छे से नहा रहे हैं, तो आप लोग को दिखा रहे थे, बाबू बुला दिखा रहे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ देखिए जय श्री राम, आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए राम जी का, लड्डू गोपाल जी का। चलिए गाइस अभी हम भी थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, अभी टाइम कितना हो रहा है, बज रहा है 11 बज गया है, तो हम भी चलते हैं नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, सभी लोग को खिला पिला, सर पे थोड़ा सा बाल सुखा रहे हैं गाइस। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता वगैरह करिए सभी लोग, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और गर्मी और धूप तो बहुत ज़्यादा है, देखिए कितना धूप गर्मी है, दिख रहा है आप लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और धूप है। तो गैस दुल्लू चल रहा है, और उसके बाद खाना पीना खा के पूरा किचन का सफाई करना है हमको, बहुत ज़्यादा दिख रहा है किचन हमारा भी एकदम फैला है बनाते आज। हाँ क्या हुआ, कल हमारे यहाँ तो लाइट कट गया था 11 बजे से कटा है, तो अच्छी तरीके एसी, तो एसी चलने का दवा छोड़िए फैन भी नहीं चल रहा था, तो 2 बजे आया लाइट, 2 बजे आया तो थोड़ा स्लो था, थोड़ी देर बाद मतलब जब अच्छे से आया वोल्टेज तो एसी चलाए हम लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी गैस क्या करें। तो फिर उसके बाद एसी चलाएँ, तब एसी चलाने के बाद थोड़ा घर ठंडा हुआ, क्योंकि 11 बजे से लाइट गया था, अब इतनी गर्मी लगती है कि क्या बोले आप सब, बहुत ज़्यादा मतलब रूम में गर्म हो जाते हैं। तो फिर एसी चला जब घर ठंडा हुआ, तो फिर हम लोग सोए सुबह फिर 6 बजे उठ गए, क्योंकि आज पूजा था, रामनवमी था, और हस्बैंड जी भी मंदिर जाते हैं डेली, तो उठे और आँख दे रहे हैं, आँख देख के पता चल रहा है रात और सोए नहीं। फिर हम लोग का मतलब 5:30 बजे फिर लाइट कट गया था, फिर आया है 7 बजे, 7 बजे आके गाइस उसके बाद फिर कटा है, तो आया है 10 बजे, मतलब हमारे यहाँ इतना लाइट आज कटा है, और कुछ पता नहीं अभी भी दिन में कट सकता है, इसीलिए सोचे पहले 1 घंटा सो लें, सो नाश्ता वास्ता करके उसके बाद उठेंगे तो काम करेंगे, क्योंकि हालत एकदम ख़राब हो गया है, नींद नहीं हो। बाबू का भी आज छुट्टी है, तो बाबू भी घर में है। हेलो सबको, हैप्पी रामनवमी। हाँ तो आप सभी लोग इंजॉय करिए, और चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, माता रानी का दर्शन करिए आप सभी लोग। और देखिए इतना कल परेशान था, कान का भी खोल दिए थे, एक कान का खोल दिए हैं, इसका नहीं है, खोल के वहीं रख दिए थे, एक कान में देखिए पहने, तो
चलिए गाइस, इतनी गर्मी है ना, कुछ पहनने ओढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए, बने रहिए आप सभी लोग एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, फिर आएंगे। तब के लिए बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखिए। और हमारी लाइट देखिए फिर आना जाना कर रही है, जैसा कि सभी को पता ही है कि लाइट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लाइट पता नहीं कहाँ से हो जाएगी ख़त्म। तो चलिए सभी को बाय बाय।